दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आज के इस वीडियो में देखेंगे, स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो पिछला बार एग्जाम हुआ था 11/3/2021 का, दोस्तों ये पेपर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो दोस्तों डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जितना भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है सभी शिफ्ट का दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली अपलोड किया जाता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, नया चैनल हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें कि दोस्तों 31 क्वेश्चन कल अपलोड कर दिए थे, तो आज स्टार्ट करते हैं 32 से। तो देखिए इसमें दिया गया है, विंसन मैसिव पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों विंसन मैसिव पर्वत कहाँ स्थित है, किस महाद्वीप में, तो ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिक महाद्वीप में दोस्तों स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः खाली स्थान वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। किस वंश के शासनकाल के दौरान दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान दोस्तों ये करवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया था। ऑप्शन नंबर बी संवाद कैमुदी, दोस्तों जो कि 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने बंगाली अखबार संवाद कैमुदी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, दिया गया कि भविष्यवाणी करने का संबंध जो है भविष्य से है, तो याद करने का संबंध किससे है। देखिए दोस्तों भविष्यवाणी का करना जो भविष्य का बात बताता है उसे भविष्यवाणी बोलते हैं, याद करना यानी भूतकाल यानी पीछे का, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए, उसने 120 अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 36 क्वेश्चन का, जिसमें कि आपको कितना, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम कितना 40% अंक प्राप्त करना चाहिए, 40% अंक प्राप्त करना चाहिए, लेकिन उसने 120 अंक प्राप्त किया, कितना किया 120 अंक, लेकिन 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 30 अंकों से फेल हो गया, तो इसमें 30 अंक अगर जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएंगे, तो 40% इजकल टू कितना हो गया 150, उसके बाद 1% इजकल टू 150 बटा 40 हो गया, उसके बाद 100% निकाल लीजिए। तो दोस्तों 36 का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए, उसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, क्या आएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, 8। देखिए यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आप लोग हल कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, दोस्तों आप लोगों को हल करना है, इसका मान बताना है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है कि कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में क्रमशः कौन सी है। तो दोस्तों कोयले की निम्नतम, देखिए कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्म कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी, देखिए एंथ्रासाइट जो है उच्चतम है और लिग्नाइट जो है निम्नतम है कोयले की जो कि गुणवत्ता वाला, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में जो है ना एंथ्रेसाइड और लिग्नाइट है। एंथ्रेसाइड में दोस्तों कार्बन की मात्रा 85 से 95% तथा जल की मात्रा 2 से 5% होती है, जबकि लिग्नाइट में कार्बन की 45 से 55% तथा जल की मात्रा 30 से 55% तक होती है, जबकि एक घटिया किस्म का भूरा कोयला है, जो कि ये दोस्तों ये घटिया किस्म कौन सा है, कोयला भूरा कोयला है, सबसे अच्छा किस्म का एंथ्रासाइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से किस कंपनी ने 2018 में 6 लाख करोड़ के, देखिए 6 लाख करोड़ के बाजार मूल्य को पार करने वाले दूसरी भारतीय फर्म होने का गौरव हासिल किया है।
कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, TCS कंपनी ने। क्या है दोस्तों? TCS कंपनी ने जबकि 2018 में ये किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है। किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने से सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? देखिए दोस्तों, अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या अगर 3 लाख से अधिक है तो सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वार्ड समिति का। 3 लाख से अगर अधिक हो जाए तो सरकार द्वारा वार्ड समिति का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक का संबंध लिखना से है तो क्रिकेट का संबंध किससे है? दोस्तों पुस्तक का संबंध लिखना से है तो क्रिकेट का संबंध खेलना से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वप्नाकार से क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करती है, जिसमें उसमें कुल 65 मिनट का समय लगता है, तो उस द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है? देखिए दोस्तों, समान दूरी तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। देखिए समय जिसमें कि 65 मिनट समय दिया गया है, जिसमें कि पहला दूरी तो मान लो समान दूरी है, तो मान लो डी दूरी हो गया 10 किलोमीटर, दूसरा जो है वही दूरी 15 किलोमीटर, फिर दोस्तों वही दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो आप लोग हल कीजिएगा, दूरी का मान निकल जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, 15। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद में। देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? त्रिवेंद्रमपुरम केरल में। इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में। तीसरा है दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो है अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि 7 लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन इनमें से किसने तैयार किया था? इसका देख लेते हैं ऑप्शन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, सर एडविन लुटियंस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक बस और एक कार क्रमशः बिंदु एक्स और वाई से चलना शुरू करती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर की प्रति घंटा से दूसरे की ओर चलती है, उनके बीच मिलने के समय बस के कार से 50 किलोमीटर अधिक दूरी तय की थी, एक्स और वाई के बीच की दूरी क्या है? तो दोस्तों जबकि ये विपरीत दिशा में, जो कि ये एक्स से और ये वाई से चलना शुरू करती है और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो आप लोग बनाइएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, 550 किलोमीटर। तो आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है। दोस्तों आपको बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। निम्नलिखित पेपर कटिंग को लाइनों के अनुसार मोड़कर एक घनाकार बॉक्स बनाया जाता है, विकल्पों में से परिणामी बॉक्स के सही छवि का चयन करें। तो कौन सा होगा दोस्तों? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है 47 का। चलिए अगला क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी बताइए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग देख लीजिए शॉर्टकट कुंजी कौन सा है, किसके लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, जिंक ऑक्साइड है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने योनो कैश पॉइंट नामक कार्डलेस ATM सेवा शुरू की? ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शुरू किया है। दोस्तों कौन सा? येनो कैश बैंक, येनो कैश पॉइंट जो है ना, ये स्टार्ट किया है किसने? स्टेट बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है। इनमें से किस देश ने वर्ष 2020 में विश्व खुशहाली सूचकांक रिपोर्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया था? ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड ने 2020 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, दोस्तों कथन दिया गया है, यदि ऋतु आज से 6 घंटे रोजाना ध्यानपूर्वक पढ़ाई करती है तो वह 10 दिनों के बाद होने वाली परीक्षा को पास कर लेगी, कार्यवाही है। ऋतु को अपनी परीक्षा पास करने के लिए प्राप्त तैयारी के हेतु 10 दिन तक पर्याप्त 6 घंटे ध्यानपूर्वक विज्ञान का अध्ययन करना होगा। दूसरा है, ऋतु को तैयारी से पहले अपना समय निर्धारित करना चाहिए और हर विषय को पर्याप्त समय देना चाहिए। तीसरा है,
ऋतु को इस दिन 10 दिनों के खेलना नहीं चाहिए, जो परीक्षा की तैयारी की पुष्टि से उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर इसमें जो कि दोस्तों बी ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये करेक्ट आंसर है कि कार्यवाही पालन 2, जिसमें कि ऋतु को तैयारी से पहला अपना समय निर्धारित करना चाहिए और हर विषय को पर्याप्त समय देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। दोस्तों अंडमान निकोबार और द्वीप समूह को अलग करती है कौन से, ऑप्शन नंबर सी 10 डिग्री चैनल। देखिए 10 डिग्री चैनल जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, जिसमें कि 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकाय को, 8 डिग्री चैनल मिनिकाय और मालदीव को, 10 डिग्री अंडमान और निकोबार को, ग्रेट चैनल सुमात्रा और निकोबार को, पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कितने मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। तो दोस्तों 1024 ऑप्शन नंबर बी। देखिए 1 निबल बराबर 4 बिट होता है, 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है 2 निबल, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट, उसके बाद 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 इनमें से किस स्थानों को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली से अटारी। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है दिल्ली से अटारी, उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिल्ली से कोलकाता, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 मुंबई से आगरा, राष्ट्रीय राजमार्ग 4 ठंडे मुंबई थाने से मुंबई चेन्नई जो है ना वो जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्चतम होती है। ऑप्शन नंबर बी पीएच मान 4 है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, दिया गया है दोस्तों √6 √6 + √6 + √6 घनात्मक मान है। तो देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कैसे आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। इसको बनाएंगे कैसे, 6 + √6 + √6 इन्फिनिटिव तक है। तो दोस्तों 6 को फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करना है उसका डिफरेंस 1 हो, जैसे कि 2 और 3 में, ये कितना हो जाएगा, 2 में 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, इसका अंतर कितना है 1 का अंतर होना चाहिए। तो अगर प्लस है यहाँ तो ये बड़ा वाला आंसर होगा, अगर यहाँ माइनस रहता दोस्तों ये छोटा वाला आंसर होता, तो ये प्लस है तो ये बड़ा वाला आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जैसे एक वो हो गया दोस्तों, उसके बाद अगर 72 दिया रहता +72 + +72 ऐसे है इन्फिनिटिव तक है, तो ये 72 को ये 8 9 में फैक्टर करेंगे, इसका अंतर 1 है। उसके बाद दोस्तों इसका कितना है 9 8 72 हो गया, अगर प्लस है तो ये बड़ा वाला हो गया, अगर ये माइनस रहा तो छोटा वाला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, महेश ने 8000 की धनराशि को एक समय अवधि जमा योजना में चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया। समय अवधि जमा की परिपक्वता पर हम महेश को कितनी धनराशि मिलेगी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 8820। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टा तथा अन्य कीटों का उत्सर्जन अंग है। ऑप्शन नंबर बी मेलपिगियन नलिकाए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते, यदि कोण ए बराबर 45 डिग्री कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा 135 डिग्री। तो दोस्तों ये 60 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, डेली वीडियो देखने के लिए।